हेलो गाइस, ये है हमारा धर्मशाला का व्लॉग। धर्मशाला हम बाय वोल्वो गए चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से अराउंड 1 बजे रात को हम धर्मशाला के लिए निकले और उसने अराउंड 5 से 5.5 घंटे लिए हमें धर्मशाला पहुंचाने में। हम सुबह 6:30 के आसपास धर्मशाला पहुंच चुके थे। सुबह 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सो गाइज, एज वी हैव रीच्ड धर्मशाला, तो जो फर्स्ट प्लेस हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है वॉर मेमोरियल। आप इसका व्यू देख ही सकते हैं। और इधर हमारा टिकट कॉर्नर है जहाँ कि हम टिकट अपनी परचेज करेंगे। और ये हमारी एंट्रेंस है स्टेट वॉर मेमोरियल की, और ये हम एंटर कर रहे हैं। घूमने के लिए सो हम आपको भी दिखाएंगे यहाँ की ब्यूटीफुल जगह, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर हमारे कुछ योद्धाओं के याद में ये चीज़ बनाई गई है। उन्होंने हमारे आज के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा गया है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आर टुडे। तो हमें उनकी कुर्बानी को कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल है, सी। और ये चारों तरफ से देवदार की ट्रीज से घिरा हुआ है। इट्स लुक सो प्रिटी। यहाँ पर इंडिया का मैप भी बना है जो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये स्टोन्स से बनाया गया है इंडिया का मैप, सो प्रिटी। लुक एट दिस प्लेस जहाँ हमने अभी फोटोज क्लिक की है। लुक दिस मॉन्यूमेंट हियर, ये इंडियन नेवी की याद में इसे कंस्ट्रक्ट किया है। इट इज ब्यूटिफुली मेड। आपको जरूर आना चाहिए इधर, क्यों भी ना। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर है। जो भी यहाँ आएगा वो मंत्र मुक्त हो जाएगा। अब हम वॉर मेमोरियल से एग्जिट कर रहे हैं और हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम। लेट्स सी हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है और कैसा व्यू मिलता है। तो चलिए, ये था हमारा वॉर मेमोरियल एंड जस्ट उसके राइट में 0.5 किलोमीटर चलते ही हम पहुँच जाएंगे अपने क्रिकेट स्टेडियम। सो फाइनली हम एंटर कर गए हैं अपने क्रिकेट स्टेडियम जो कि है धर्मशाला का। तो ये वे टू विजिटर्स स्टैंड है, इधर से जो भी विजिटर्स हैं वो ऊपर जाके इसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सच में क्रिकेट स्टेडियम का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले सारे मैचेस हमने टीवी में ही देखे हैं। इतना अमेजिंग व्यू देखने के बाद सच में ये लगता है कि एक बार इधर मैच जरूर देखना चाहिए। अब 1 किलोमीटर, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम किस साइड को जा रहे हैं, बस इधर उधर से पूछ पाछ के हम जा रहे थे। और हमने तय कर लिया था कि हम पैदल ही जाएंगे। Hey guys, this is tea garden. See?
ये देखिए, ये है टी गार्डन। इसे ढूंढने के लिए हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा, बिकॉज वी डिडंट न्यू द वे टू रीच इट। तो हमने आसपास के लोकल से रास्ता पूछा एंड दे गाइडेड अस। टी गार्डन, हम रास्ता फाइंड करते हैं, हम जाते हैं वहाँ। दैट वे इट्स क्लोज, आई एम कमिंग हियर एंड थैंक यू। तो अब हम पहुंच गए हैं कुणाल पथरी टेंपल। ये कुछ ही किलोमीटर, आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर आगे होगा अपने टी गार्डन से। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि अब टी गार्डन के आगे कुछ नहीं होगा, बट उसके थोड़े से आगे ये बहुत ही पवित्र मंदिर है, आप इसे ज़रूर विज़िट करिए। कुणाल पथरी टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे माता दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पे जो माता का मंदिर है, एक माता पत्थर पे बनाई गई है, उन पे आस्था है। और कहते हैं कि यहाँ पे माता का कपाल गिरा था, जिस वजह से ये मंदिर बनाया गया है। तो अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। धर्मशाला में हमने 4 जगह घूमे, वॉर मेमोरियल, क्रिकेट स्टेडियम, ई गार्डन एंड कुणाल पथरी टेंपल। और कल हम चलेंगे मैक्लोडगंज। तो आपसे कल मिलते हैं।